हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। एंड मैं आज चार दिन के लिए बहरमपुर आई हूँ। दिस इज़ द फेम होटल बहरमपुर, एक ही यहाँ पे फाइव स्टार है। एंड मेरा इवेंट है, आई विल लेट यू नो अबाउट द एंटायर इवेंट एंड होपफुली व्लॉग बनाऊंगी मैं, जितना भी हो सके शूट करूंगी। काम कर रही हूँ, आप देख सकते हो, पूरा रेडी होकर तैयार होकर एकदम व्लॉग्स बना रही हूँ। सो जीएम के रूम के बाहर वेट कर रहे हैं हम लोग मीटिंग के लिए, बिकॉज ऑल द गेस्ट आर हियर। एंड एक फ़नी चीज़ हुआ है कि जैसे एंट्री होने वाला था ना, स्पेशल एंट्री था बाउल एंड ढाक के साथ, क्योंकि वेस्ट बंगाल है, दे आर ऑल कमिंग डाउन फ्रॉम दिल्ली और एमपी यूपी साइड से, सभी मंत्री वगैरह है। तो जस्ट ऐसे शूट हो रहा था उस टाइम पे, मुझे जल्दी आना था, बट द थिंग इज क्या हुआ, जो उनका आने का एंट्री था उसके जस्ट, सो जैसे ही एंट्री किया मैंने एंड उन लोग के पहले मेरा एंट्री हो गया, एंड मुझे पूरा मीडिया कवरेज सब कुछ ऐसे शूट कर रहे थे कि क्या हो रहा है, कोथा भाई। सो दे वर आस्किंग मी कि मैं बहरमपुर से हूँ कि कलकत्ता से हूँ, एंड क्या करेंगे, वीटी लेंगे क्या लेंगे। सो मैं जब एंट्री की एंड पूरा ढाक वाक एक साथ बज रहा है एंड पूरा रेड कार्पेट से पहले मेरी एंट्री हुआ, एवरीबडी वाज स्टेयरिंग एट मी लाइक वाह, इतना मज़ेदार एंट्री। तो आई विल टेक यू गाइस, सो होपफुली यू लाइक द व्लॉग। एंड ये है, मैं आपसे बात नहीं करती, बाय। आइए आप सबको मैं इतिहास के पन्नों का थोड़ा सा सैर कराती हूँ। इतिहास के पन्नों में आज भी जिस नाम से मुर्शिदाबाद फेमस है, जाना जाता है देश और विदेश की सब जगह, बंगाल का वो वीर नवाब सिराजुद्दौला, जो राजा होकर अपनी प्रजा पे जान छिड़कता था, हम सब ने पढ़ा है। और उसी का वफादार मिर्जाफर ने गद्दारी करके अंग्रेजों के हाथों देश को बेच तो दिया, पर आप लोग सबको आज भी उनका शाही किला, हजार द्वारी, मतलब हजार दरवाजे, आप लोग ने देखा ही होगा किताबों में, न्यूज में, वीडियोस में, अभी भी वहाँ पे बुलंद दिखेगा। मैं तो कहती हूँ इतिहास सुनने में और देखने में किताबों में से ज्यादा अच्छा लगेगा आप स्वयं जाके देखेगा। तो कल परसों जब भी आप सबका प्रोग्राम हो, आप जरूर सैर कीजिएगा। उनकी किस्से कहानियां आज भी मशहूर है, बच्चे बच्चा जानते हैं, वहां पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फोटोज खींचते हैं, देखते हैं। तो आप सब मुर्शिदाबाद का सैर जरूर कीजिएगा, हजार द्वारी देखिएगा, और धीरे धीरे मैं आप सबको और भी जगहों का नाम बताऊंगी जिसके बारे में मुर्शिदाबाद और बहरमपुर जाना जाता है। तो इसी के साथ एक दो और गीत सुनते हैं। आप सबका कोई रिक्वेस्ट है, कुछ सुनना चाहते हो आप लोग, कोई स्पेशल गाना, कुछ बोलना है इनसे, कुछ सुनना है? हाँ मैं उन पे आ रही हूँ, आपसे दो शब्द सुने सर जी, आओगे आप, थोड़े से कुछ बोल दीजिए, सब कुछ सुनना चाहते हैं, यही से बोल दीजिए आप। हमारे सारे करीब दोस्त आए हैं और आप लोगों की गाना सुन के विदा हो चुके हैं, तो अभी गाने के बदले और कुछ मैं कहूं तो बुरा लगेगा, और मैं बुरा काम नहीं करता। धन्यवाद। आप सबको कुछ कहना है, एक एक शब्द, कैसा लग रहा है आप लोग को, बंगाल पहली बार आ रहे हो आप लोग? बहुत बार आए हैं, बंगाल और बिहार का खासतौर पर तो बहुत गहरा संबंध है, बहरमपुर और मुर्शिदाबाद मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं अधीर भाई, कई टर्म हम लोग लोकसभा में एक साथ बैठे हैं, साथ में भी बैठे हैं, अभी सामने सामने भी बैठे हैं, अभी साथ में बैठे हैं। तो अधीर भाई जो आज हम लोग आए, सारे हमारे मेम्बरान अत्यंत प्रसन्नता हुई, लोगों का प्यार देखकर, बहरमपुर के लोगों का, अधीर भाई का और आप सब लोगों का, कलाकारों का, हम लोग धन्य हो गए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सब लोगों के लिए, बहरमपुर वासियों के लिए, मुर्शिदाबाद के लिए और अधीर भाई के लिए, लंबे काल तक आप इसी तरह से, अभी वो जब आपको संबोधित कर रहे थे तो बड़ा प्यारा सा बात उन्होंने कहा, आपने इस इलाके का बहुत विकास कराया है, ईश्वर से प्रार्थना है आप स्वस्थ रहिए और इसी तरह से विकास कराते रहिए, यही कामना है। और आप सब लोगों को जो आतिथ्य सत्कार आप लोगों ने किया, और खासतौर पर जो कलाकार
भाई हमारे जो गायक हैं, हम लोगों को आप अपने बस में कर लिया, इसलिए हम लोग बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग प्रोग्राम एंजॉय कीजिए, मैं बीच में नहीं आऊंगी अभी। आप लोग कुछ अच्छा बात में अभी गीत को मैं बीच में ऐसे रोकूंगी नहीं, दो चार गीत ऐसे लगातार सुनेंगे, फिर मैं वापस आऊंगी, ठीक है?